नमस्कार दोस्तों पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों भाई का बहुत बहुत स्वागत है सच्चे दिल से एक बार जरूर माता रानी का जयकारा लगाते हुए जय माता दी जरूर बोलें ताकि आपकी जो सभी मनोकामना है इन नौ दिनों में पूर्ण हो सके इस बार के जो नवरात्र हैं 2019 के बहुत ही शुभ आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा जो है सर्व सिद्धि योग बन रहे हैं इस बार क्योंकि हम पहले तो बात करेंगे कि घट स्थापना किस दिन करनी चाहिए और इस दिन के जो नवरात्र हैं इस दिन किसी भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है क्षय नहीं हो रहा है इसका मतलब ये होता है कि कई बार जो नवरात्र होते हैं वो आठ दिन और नौ दिन यानी अष्टमी और नवमी जो होती है एक ही दिन पड़ती है कई बार ये पूरे नौ दिन के होते हैं इस बार की नवरात्रि जो है पूरे नौ दिन की होगी इस बार किसी भी तिथि का क्षय नहीं होगा और ये जो नवरात्र के दिन है ये बहुत ही शुभ आ रहे हैं हस्त नक्षत्र को सभी सत्ताईस नक्षत्रों में सबसे शुभ कारक माना जाता है ये ज्ञान और मोक्ष का कारक होता है इसीलिए नवरात्र के पहले दिन बने विभिन्न संयोग जो हैं इस बार दुर्गा पूजा के लिए काफ़ी खास माने जा रहे हैं इस बार की जो घट स्थापना का दिन रहेगा वो शुक्र ग्रह का उदय कर रहा है जिसे काफ़ी शुभ माना जाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्र को सुख और समृद्धि का कारक माना जाता है ऐसे में देवी दुर्गा की आराधना करने से उनके भक्त जो है कभी भी गरीबी का मुख नहीं देखते हैं आराधना करके आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है इसके अलावा नवरात्र की शुरुआत जो है कारक योग से बन रही है क्योंकि माता जो है शक्ति का स्वरूप है देवी स्वरूप है इस समय पर आप कन्याओं को भोग कराकर या उनकी पूजा कर कर या घर पर घट स्थापना करके आप अपने जीवन में शुक्र पर्वत जो अस्त हो चुका है आप गरीबी का मुख देख रहे हैं कर्जे का मुख देख रहे हैं या आपको लगता है वैभवता नहीं है आपका खुद का घर नहीं बन पा रहा है किसी भी प्रकार की संपन्नता चाहते हैं सोने की हो सकती है चांदी की हो सकती है आप जेवर चाहते हैं आप अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाएँ चाहती हैं तो उसके लिए शुक्र पर्वत का प्रबल होना बहुत जरूरी है जैसे मैंने पहले कहा इस बार के जो नवरात्र है शुक्र ग्रह का उदय कर रहे हैं तो आपको इस संयोग का पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए और माता रानी की आराधना करके आप जो है अपने जीवन को काफी जो है सुख और समृद्धिदायक बना सकते हैं नवरात्र के पहले दिन यानी कि 29 सितंबर 29 सितंबर को सर्वाधिक सिद्धि योग और अमृत योग का शुभ संयोग बन रहा है इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस बार स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त अवधि जो रहेगी वो लंबी भी रहेगी कई बार अवधि जो है छोटी हो जाती है और इस बार के जो नवरात्र आप इस बात का भी ध्यान रखें कि पूरे नौ दिन चलेंगे तो नौ देवियों के जो स्वरूप है उनके लिए आपको अलग अलग दिन की आराधना का समय मिलेगा आप जो है इस समय पर माता रानी के आशीर्वाद का जो है आनंद भी ले पाएंगे और उनकी पूजा आराधना के लिए आपको समय भी प्राप्त होगा हिंदू पांचांग के मुताबिक सुबह के समय घट स्थापना करना जो है बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि सूर्य भी रहता है और इस समय पर घट स्थापना करने से जीवन में उदय होता है यानी सूर्य जो है उदय का कारक माना जाता है तो सुबह के समय का जो घट स्थापना मुहूर्त है वो नौ बजकर पंद्रह मिनट से लेकर बारह बजकर बीस मिनट तक का रहेगा इसके बाद दोपहर का समय आप अगर आप लेना चाहते हैं तो एक बजकर पैंतालीस मिनट से लेकर तीन बजकर पंद्रह मिनट का रहेगा अगर आप किसी वजह से सुबह की घटस्थापना ना कर पाए तो माता रानी के लिए शाम के समय की घटस्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा छह बजकर पंद्रह मिनट से लेकर नौ बजकर पैंतालीस मिनट तक का इसके साथ ही मेरे भाइयों और बहनों अगर नवरात्र के दिन 29 सितंबर को प्रतिपदा तिथि में आप देवी आराधना करना चाहते हैं और कलश स्थापना कर सक, करना चाहते हैं क्योंकि यह भी अत्यंत शुभ कार्य माना जाता है तो इस समय का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह छह बजकर सोलह मिनट से शुरू होकर सात बजकर चालीस मिनट तक का ये मुहूर्त अत्यंत शुभ माना जा रहा है ये पूरा जो रहेगा एक घंटे चौबीस मिनट का सर्वोत्तम काल रहेगा इस समय पर आप आराधना करके कलश स्थापना करके जो है देवी आराधना की शुरुआत अखंड दीपक जलाकर कर सकते हैं यह मुख्य तिथियां हैं और इस समय पर जैसे मैंने आपको कहा कि इस समय पर पूरे नौ दिन आप पूजा अर्चना करेंगे तो आप सभी के लिए जो अक्टूबर रहेगा वो रहेगा महाअष्टमी का इस बार शुभ मुहूर्त बन रहा है छह अक्टूबर को और सात अक्टूबर जो है महानवमी का दिन पड़ रहा है इसके बाद आठ अक्टूबर को विसर्जन के साथ नवरात्रि का समापन जो है हम करेंगे आप जो है इस समय पर यानी 29 सितंबर से जो है घट स्थापना करके अपने जीवन में मैंने जैसे कहा अस्त शुक्र को भी प्रबल योग दिलवा सकते हैं आप जो है किसी भी समस्या से जूझ रहे हो इस बार के नवरात्र जो है उत्तम संयोग लेकर आ रहे हैं आपके जीवन की कोई भी दुविधा हो कोर्ट कचहरी के, के मामले हो कर्ज हो कोई भी मामला हो आप इस समय पर देवी आराधना जरूर करें माता को भोग जरूर लगाएं और आप अगर ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं जैसे कई मेरे भाई बहन कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं अखंड दीपक नहीं जला सकते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है आप केवल सच्चे मन से जो है सुबह और शाम का नियम बनाकर माता रानी को भोग जरूर लगाएं आप जो है अगर कर सकते हैं तो कन्याओं को भोग जरूर करवा दें अगर आप कंजक भी नहीं करा सकते हैं या भोग नहीं लगा सकते हैं कन्याओं को घर पर बुलाकर तो इस समय पर मंदिरों में जाकर जो है क्षमता अनुसार दान जरूर करें क्योंकि इस समय के जो संयोग हैं आपके दान का भी बहुत महत्व रहेगा आपकी पूजा आराधना का भी बहुत महत्व रहेगा इस समय समय पर दुर्गा चालीसा दुर्गा कवच का पाठ करना आपको बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा अगर इस समय पर कोर्ट कचहरी का कोई मामला फंस रहा है कोई कार्य काफी समय से अटका हुआ है नहीं बन पा रहा है तो दुर्गा कवच आपका जो पाठ रहेगा वो करें अगर नहीं कर सकते हैं संस्कृत में तो हिंदी में करें हिंदी में नहीं कर सकते हैं। या आपकी क्षेत्रीय भाषा में आपको पुस्तक नहीं प्राप्त होती है तो केवल सुनने मात्र से भी आपको जो है वही लाभ प्राप्त होगा जो कि पढ़ने से या मंत्रों का जाप करने से प्राप्त तो होता है क्योंकि जब हम उन्हें सुनते हैं तो ध्वनि के वाइब्रेशन से भी उतना ही लाभ जो है हमें प्राप्त होने लगता है शुद्धता आती है और इस समय पर जो है मांसाहार का भोजन बिल्कुल ना करें आप जो है इस समय पर मदिरा का सेवन ना करें तामसिक चीजों से भी दूर रहें और इस समय पर अपने घर में जो है आप शुद्धता का जरूर ध्यान रखें अब हम जब घट स्थापना एवं अखंड ज्योति को जलाएंगे तो कुछ बातों का विशेष ध्यान आप सभी को जरूर रखना चाहिए सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान कर कर आप जो है हाँ साफ़ सुथरे वस्त्र को धारण कर लें व्रत का संकल्प ले लें और आप जो है पूजा कलश स्थापना घट स्थापना का भी संकल्प ले लें संकल्प नहीं ले सकते हैं तो माता के आगे हाथ जोड़कर आप विनती करें कि हे माता रानी हम जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं हमसे अगर कोई भूल चूक को आ जाए तो उसे क्षमा याचना दें और हमारी सभी प्रकार की भूलों को क्षमा करके हमें सिद्धियां दें तथा हम पर जो है आपकी कृपा और आशीर्वाद सदैव बनाए इसके अलावा कलश या घट स्थापना के लिए मिट्टी में ज्वारे बो दें इसी वेद पर कलश या अखंड ज्योति का दीप रखें ज्योति प्रज्वलन के साथ ही माँ दुर्गा के सप्तशती पाठ को करना इस समय पर आपको बहुत ही लाभ देगा इस समय पर मान्यता है जो भी व्यक्ति सप्तशती का पाठ इन दो दिनों में करता है उसे जो है जीवन में कभी भी किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ता है माता रानी सदैव आशीर्वाद बनाकर अपने भक्तों की रक्षा करती है माता की आरती उतारें और माता को भोग लगाकर सुख शांति और समृद्धि की कामना करके आप जो है डेली पूजा पाठ करें मा माता रानी की पूजा पाठ में आपको जो है साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है घर में अगर मेड आती है तो जहां भी अखंड ज्योति जल रही हो वहां पर आपको किसी बाहर के व्यक्ति को जाने नहीं देना है केवल सदस्य जो रहेंगे वही जाएंगे आपके घर में कोई मेहमान आते हैं कोई भी आता है जो सदस्य घर के बाहर का है उसे आपको उस रूम में या उस जगह पर जाने नहीं देना है तथा आप जब भी माता रानी की पूजा आराधना करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि चमड़े की कोई वस्तु जो है आपके शरीर पर धारण ना हो हो सके मैं खासतौर पर महिलाओं को एक बात बताऊंगी कि हो सके तो लाल पिंक और पीले रंग के कपड़े या हरे रंग के कपड़े ज़्यादा ज़्यादा से पहनकर जो है पूजा पाठ करें आप देखेंगे आपको जो है सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलेगा संपन्नता का आशीर्वाद मिलेगा समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा सौंदर्य की प्राप्ति होगी साथ ही साथ आपके जीवन में आपको जो है बहुत से सुखों की भी प्राप्ति होने लगेगी भाइयों और बहनों मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए माता रानी आप सभी के जीवन में बहुत सा सुख समृद्धि दे साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत सी खुशियाँ लेकर आए जय माता रानी दी